नमस्कार, विश्व समाचार में आपका स्वागत है। मोदी की टिप्पणी पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में रेनकोट संबंधी नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें खबरों से और समाचार पत्रों से उच्च सदन में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान के बारे में जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की, उनका अपमान किया। संसदीय लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। उन्हें अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। वे प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि दूसरे सदन की बात को इस सदन में उठाने नहीं दिया जा सकता है। उधर की बात इधर करना ठीक नहीं है। दो दिनों से शून्यकाल नहीं हो पाया है और आप दूसरों का हक मार रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने भी कहा कि इस सदन में दूसरे सदन की बात नहीं उठा सकते हैं। शोर शराबे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खड़गे को बात रखने देने का संकेत करते देखा गया। स्पीकर की ओर से आगे बात रखने की अनुमति नहीं देने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। उल्लेखनीय है कि बुधवार को मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि आजादी के बाद 70 साल में हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आर्थिक परिदृश्य में इतना दबदबा रहा जितना मनमोहन सिंह का रहा। 35 साल तक देश के आर्थिक परिदृश्य के केंद्र में रहे उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिज्ञों को इनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इनके समय इतना सब कुछ हुआ, घोटाले हुए, लेकिन इनके ऊपर एक दाग तक नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पिछले सत्र में नोटबंदी पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि विमुद्रीकरण को जिस तरह से लागू किया गया है वह ऐतिहासिक कुप्रबंधन है और यह संगठित एवं कानूनी लूट का उदाहरण है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी जासूसों को पैसा उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 11 सदस्य मध्य प्रदेश एटीएस की हिरासत में। आईआईएम का दर्जा बढ़ाने तथा पुराने कानूनों को खत्म करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष का सरकार पर हमला, नोटबंदी की मार झेलने वाले असंगठित क्षेत्र की बजट में उपेक्षा। लालू यादव ने कहा, टूटे रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है भाजपा। चीन से संबंध सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को लिखा पत्र। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।